The ghost of 2016 Paralympics Games is well and truly buried. With me is Sundar Singh Gurjar, who has done it. He missed out last time around, but this time he made sure that he gets a medal at the all-important Paralympics. Sundar, first of all, congratulations. Bahut bahut mubarak ho aapko. 2016 mein jab miss hua tha, aur ab jab aapke paas medal hai, is puri kahani ko kis tarah se recollect karte hain aap? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं 2016 आपने 16 की बात की है तो मैं वहाँ ओलंपिक्स के अंदर खेलने गया था और मैं वर्ल्ड का टॉपर था उस टाइम। मैं 68.42 का नेशनल रिकॉर्ड बना के भी गया था और मैं 70+ जेवलिन मार रहा था और 63 मीटर पर वहाँ पर गोल्ड गया था। 59-58 पर सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल थे। बट कहते हैं कि समय से ज़्यादा भाग से ज़्यादा ऐसे नहीं मिलता, बट मैं वहाँ 52 सेकेंड लेट होने के कारण ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई हो गया था कॉल रूम में, तो ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था। उस टाइम में काफ़ी टूट चुका था कि मैं ओलंपिक मिस कर चुका हूँ, क्योंकि आदमी के सपने बहुत बड़े होते हैं जब आदमी वर्ल्ड लीड कर रहा होता है। लेकिन फिर से वापस मुझे मोटिवेट किया मेरे कोच साहब ने, मेरे फ्रेंड्स ने, तो वापस से मैंने तैयारी किया और 2017 में मैं वर्ल्ड चैम्पियन बना, 2019 में वर्ल्ड चैम्पियन बना, 2018 एशियन गेम्स में मेरे 2 मेडल थे, 19 में अर्जुन अवार्ड मिला, फाइनली आज मैंने पैरालंपिक्स के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो आज मैं काफ़ी खुश हूँ और जिस तरह से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ कि आगे आने वाले 2024 पेरिस ओलंपिक्स में मैं मेरे मेडल का कलर चेंज करूँगा और गोल्ड जीतने की 100% उम्मीद है मुझे वहाँ पर। आपने एक ही सवाल में सारे आंसर दे दिए, लेकिन हम ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि वो जो 52 सेकंड की आपने बात की थी, उस 52 सेकंड का जो वो आपको पीछा करता रहा टोक्यो ओलंपिक्स तक, कहीं ना कहीं आपको लगा कि वो शायद गोल्ड रह गया उस वक्त, तो उस वक्त आपने मोटिवेट कैसे किया कि अगले साल ही आपको गोल्ड मिल जाए? तो ये मानसिक जो आपने जो स्ट्रेंथ, ये कहाँ से मिला आपको और किस तरह से आपने आपको आपने स्ट्रेटेजाइज किया कि अगले साल ही आपको गोल्ड मिल रहा है और आप तो एक नहीं 3-3 डिसिप्लिन में गोल्ड लेके आते हो? वैसे ओलंपिक मिस हो गया तो काफ़ी 2-3 महीने तो मैं काफ़ी डिस्टर्ब रहा, ट्रेनिंग नहीं किया, ग्राउंड नहीं जाता था, बट को साहब ग्राउंड ले जाने लगे धीरे धीरे कि चल घूम के आ जाया कर, ट्रेनिंग मत किया कर। लेकिन 10-15 दिन घूमा, फिर वापस से सोचा ग्राउंड तो आता ही हूँ तो कुछ करने ही लग जाता हूँ, फिर वो कराने लग गए। बिल्कुल, मेरे को साहब श्री महावीर सैनी जी, महावीर सैनी जी ने फिर वापस मेरे को स्टार्ट करवाया। पहले मैं जेवलिन करता था बट उन्होंने साथ साथ में डिस्कस और शॉट पुट भी वो करवाने लग गए। तो वर्ल्ड ग्रांड प्रिक्स दुबई में हुई थी फरवरी में, तो उसके अंदर मेरे तीनों के अंदर गोल्ड थे, शॉट पुट डिस्कस जेवलिन में तीनों में मेरे गोल्ड थे। और वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी फिर अक्टूबर में, तो उसमें भी मेरा गोल्ड था लंदन में। तो कोच साहब ने काफ़ी मेहनत किया था, उसको मेरे को मोटिवेट काफ़ी किया, उन्होंने मेडिटेशन करवाते थे हर टाइम, हर टाइम पॉजिटिव बातें बताते थे और कौन कौन खिलाड़ियों ने क्या चीज़ खोई और क्या पाया, तो वो ऐसी स्टोरी बताते थे तो वापस कि वापस से जोश आ जाए और वापस करने लगे, ऐसा हुआ। सुंदर, आपकी अगर हेल्थ को देखा जाए तो आप तो किसी भी एबल बॉडीड से बेटर हेल्थ वाले हो, लंबे चौड़े तगड़े और 3-3 स्पोर्ट्स में एक साथ, मतलब जैवलिन, शॉट पट और डिस्कस, तीनों में महारथी बहुत ही कम खिलाड़ी हैं दुनिया में जो कि तीनों में गोल्ड मेडल मिलता है, तो ये क्या राज है आपका? बिल्कुल सर, कोच साहब ने इसमें तो ये है कि अपने कोच साहब महावीर जी ने फिटनेस पे भी बहुत ज़्यादा वर्क करवाया था। और शॉट पुट तो मैं 2009 में जब मैंने फर्स्ट टाइम जब गेम स्टार्ट किया था तो मैं शॉट पुट करता था और शॉट पुट में मेरा नेशनल मेडल थे, बट कोच साहब ने वो गेम चेंज करवा दिया था कि आपको बहुत आगे तक बढ़ना है तो आप शॉट पुट को छोड़ के। रेगुलर की बात कर रहे हो आप? हाँ। ये पैरा में नहीं, ये रेगुलर पहले, हाँ मैं जनरल में खेलता था, उस टाइम मैं शॉट पुट करता था, तो कोच साहब ने शॉट पुट करा के जेवलिन स्टार्ट करवाया, तो मेरा शॉट पुट गेम तो मैं कर किया ही था तो थोड़ा मेरा वेस बना हुआ था और थोड़ा कोच साहब ने मेहनत करवाया। और शॉट पुट डिस्कस को फेंकने का तो एक ही तरीका है, सर्कल, तो डिस्कस भी करने लग गया, तो डिस्कस और शॉट पुट और जेवलिन तीनों में फिर मेरे गोल्ड मेडल आ गए। इस बार 19 मेडल आए हैं हमारे पास, मतलब एक रेवोल्यूशन सा हो गया, एक सुनामी सी आ गई, क्योंकि पिछली बार 4 थे और 4 से डायरेक्ट 19, तो क्या राज क्या है, मतलब इस बार क्या हो रहा है कि मतलब क्या कितना सपोर्ट, मतलब जो पहले सपोर्ट नहीं मिलते थे, हम कहते थे कि भाई जो खिलाड़ी हैं वो सिस्टम के वजह से नहीं, सिस्टम के विरुद्ध लड़के मेडल लेके आ रहे हैं, इस बार क्या डिफरेंट रहा, सपोर्ट रहा? जी बिल्कुल, इस बार बहुत ज़्यादा डिफरेंट ये रहा कि इस बार गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। खिलाड़ी को ओलंपिक जाने से पहले भी
अपने प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, मेडल आने के पर भी वहाँ फ़ोन करके उनको मोटिवेट, उनको शाबाशी दे रहे हैं, और मेडल जीत के आने के बाद भी वो अपने वहाँ पर डिनर पे, लंच पे बुला रहे हैं। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन सारे ने बहुत एक टॉप स्कीम चलाई, तो उस टॉप स्कीम के तहत भी खिलाड़ी को ट्रेनिंग करने में बहुत आसानी थी, उनको पॉकेट अलाउंस मिल जाता है, इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं, और पैरालंपिक कमेटी इंडिया का भी बहुत सपोर्ट रहा है इसमें। और आज खास बात कहें तो आज तक 2012 तक 16 ओलंपिक्स तक हमारे 12 मेडल थे पैरालंपिक्स में, और 2020 के ओलंपिक्स में हमने 19 मेडल जीते हैं। अगर इसी तरह प्रोग्रेस करते रहे तो मुझे आशा है कि आने वाले 2024 पेरिस ओलंपिक में 35 से 40 मेडल हम जीतेंगे। और काफ़ी सपोर्ट इसमें कोचों का भी बहुत सपोर्ट रहता है, क्योंकि खिलाड़ी तो ट्रेनिंग करता ही करता है, बट उतना ही प्रॉपर टाइम कोच उसके लिए लगाता है। तो मैं तो यही निवेदन करूँगा अपनी PCI को और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, जितना सम्मान स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जा रहा है उतना ही सम्मान उनके कोच को भी दिया जाए। एक आखिरी सवाल, आपने ऑलरेडी पहले ही प्रश्न में पूछ बोल चुके हो कि आपका टारगेट रहेगा गोल्ड मेडल, तो यहाँ से सुंदर आप आगे का करियर क्या देखना चाह रहे हो कि अगले 5-10 साल में कितने मेडल आपसे इंडिया को मिलने वाला है और कितने गोल्ड मेडल मिलने वाला है और ओलंपिक्स में क्या क्या सोच रहे हो? ये आखिरी सवाल है आपसे। बिल्कुल सर, अभी तो सबसे फर्स्ट तो आने वाले 2022 के वर्ल्ड चैम्पियनशिप और एशियन गेम्स टारगेट हैं, बट जहाँ कहीं 2016 में मेरी कमी रह गई थी मेडल की, तो मेडल आज मेरा आ चुका है ओलंपिक्स के अंदर, पैरालंपिक्स के अंदर, और अब मेरी कमी रह गई कि मुझे गोल्ड नहीं मिला। तो मेरी आशा है कि मैं ऐसी क्या मेरे अंदर कमियां रही हैं जैसे मैं गोल्ड से चूक गया हूं, तो उन कमियों पर सुधार करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा 100% उसके ऊपर वर्क करके 2024 ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड जीतूंगा। थैंक यू सो मच, वेलकम भैया, थैंक यू। So that was Sundar Singh Gurjar, who is very categoric that he has achieved the first step, and now what he wants to do is again be in the medals ranking, and also in the next he has his targets defined that he wants to do well in Commonwealth Games, Asian Games, and also in Paralympics in Paris. He doesn't want to stop it over here. He wants to continue this mission. The first hurdle is now being tackled by him. Now the whole world is for him to conquer. With video journalist Rahul Dev in Delhi, this is Shubham Ray for News 9.